तो कोऑर्डिनेशन पोजीशन और आइसोमेरिज्म की अगर अपन बात करें तो कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या होगी? एक ही कोऑर्डिनेशन स्फीयर में पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स में टर्मिनल लिगेंड की पोजीशन इंटरचेंज होगी, इसी को हम क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। अब जैसे मान लीजिए, अब आप इसके कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म बताइए। कोबाल्ट Cl4, कोबाल्ट Cl4 NH2 NH2 कोबाल्ट Cl4 NH2 NH2 Cr NH3 होल पोर, Cr NH3 होल पोर। इसके आपको जो चार स्टडी जीरो आएगा, इसके आपको कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर बनाने हैं। फटाफट बताइए, इसके कितने हैं? इसके पांच इसलिए आएंगे क्योंकि इसमें आखिरी वाला जो आप बनाओगे तो फिर वो सेम हो जाएगा। तो टोटल फाइव, अरे इसके इसमें चार, थ्री फोर, हाँ इसके फोर आएंगे। इसके फोर कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर, इसके टोटल फाइव आएंगे। फाइव कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर बना के दिखाओ, बना लो जैसे कोबाल्ट NH3 Cl3 कोबाल्ट NH2 NH2 CrNH3 होल फोर, राइट? NH3 होल थ्राइस CO, इसको बनाएंगे within a कोऑर्डिनेशन स्फीयर, विद इन
ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर ऑप्शन है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म ये ऑप्शन आइसोमेरिज्म बी कोऑर्डिनेशन पोजीशन सी आयलाइजेशन और डी लीकेजेशन आइसोमेरिज्म विच टेक्स प्लेस विद इन अ कोऑर्डिनेशन स्फीयर कौन कौन से कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन पोजीशन आयलाइजेशन एंड लिंकेज बी एंड लिंकेज वाली होती है और कोऑर्डिनेशन पोजीशन होती है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म दो अलग अलग कोऑर्डिनेशन स्फीयर में होती है और आयलाइजेशन वाली भी आप जानते हैं कि एक बार एक अंदर होती है तो विद इन कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेक्स्ट आइसोमेरिज्म आते हैं हमारे लिगेंड आइसोमेरिज्म देखिए लिगेंड आइसोमेरिज्म एक बार में की काम किया अच्छा लगे अगर एक बार में एक काम करूं तो मजा आएगा तो लिगेंड आइसोमेरिज्म शोन बाय दोस कंपाउंड्स हुज लिगेंड कैन शो आइसोमेरिज्म जिनके लिगेंड में खुद में आइसोमेरिज्म होती है वो लिगेंड आइसोमेरिज्म शो करते हैं देखिए This type of isomerism is shown by those complexes in which ligand itself show isomerism. In which ligand itself show आइसोमेरिज्म जैसे पीएनएम पीएन क्या होता है पीएन पीएन जो है क्या होता है सीएस टू सीएन सीएस टू एनएस टू हाँ एक ये लिगेंड है और एक टीएन लिगेंड है टीएन लिगेंड में सीएस थ्री सीएच एनएस टू और सीएस को नाम क्या है तुम को ये भी है क्या नाम है बताओ अरे मेथेन एथेन प्रोपेन क्या नाम हुआ प्रोपेन पीटा के एमाइन प्रोपाइलिन डाइएमाइन और टीएन नाम पे मैं जाऊं आईपीसी नेम में कर देखोगे तो 1 2 3 हाँ तो प्रोपाइल 1 2 डाइएमाइन ये भी आईयूपीएसी ये ऑर्गेनिक लिगेंड है ना तो इसको शॉर्ट में पीएन और टीएन से लिखते हैं अब ये दोनों आपस में कर पाएंगे कि नहीं आइसोमेरिज्म बिल्कुल करें लिगेंड से होगा एक में पीएन लगा दो एक में
ए लगा दो क्या पड़ेगा, बाय डेटेड और रेडेड, बाय डेटेड जैसे CO NH3 व्हाट इज द नंबर 6 के लिए CO NH3 होल 4 पी ए लगा लिया अपन चार्ज करता है बस तो और एक आ गया CO NH3 होल 4 पी ए तो देखिए ये जो लिगेंड है इसमें खुद में आइसोमेरिज्म है लिगेंड अगर खुद आइसोमेरिज्म शो करेगा तो फिर तो होगा ना ये जो हमारे दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर अब जैसे ऐसे ये यहाँ पे ये कंपाउंड है अगर ये लिगेंड की तरह काम कर रहा है ये पूरा पूरा पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड देगा सही तो अगर ये लिगेंड की तरह काम करेगा तो ये ऑर्थो मेटा और पैरा तीन अलग अलग आइसोमेरिज्म शो करेगा तो ये ऑर्थो वाला होगा एक पैरा वाला होगा और एक मेटा वाला होगा तो ये हमारी थी हर तरीके की कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ठीक है यहाँ तक कोई डाउट तो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा स्टील आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन करता हूँ। दो तरीके की स्टीरियो आइसोमेरिज्म होती है ज्योमेट्रिकल और एक ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखिए ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल जो है वो आपको काफी कायदे से पढ़नी पड़ेगी इसमें जो स्क्वायर प्लेनर की है वो ज्योमेट्रिकल अलग अलग होती है सही है वो ऑप्टिकल शो और करता भी है तो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर सकता है अगर चारों को अलग अलग है तो ऑप्टिकल एक्टिविटी तो शो कर सकता है लेकिन आपको आइसोमेरिज्म शो नहीं सकता अच्छा एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की अलग पढ़नी पड़ेगी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल और जो है ऑक्टाहेड्रन की अलग पढ़नी पड़ेगी उसमें भी मोनोडेंटेट लिगेंड बाइडेंटेट लिगेंड इन सबका अपना अलग अलग केस होता है अलग अलग आइसोमेरिज्म होती है कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है तो बहुत छोटी सी चीज लेकिन बस हमें समझना है कि ज्योमेट्रिकल कैसे एग्जिस्ट करेगा ऑप्टिकल कैसे एग्जिस्ट करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में छोटा सा लिख लीजिए दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म प्रोड्यूसेस सिस ट्रांस आइसोमर्स प्रोड्यूसेस सिस ट्रांस आइसोमर्स अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन ऑफ लिगेंड according to the position of ligand position of ligand with respect to each other position of ligand with respect to each other मतलब अगर हम changes लाए इधर से उधर position लाए या कुछ ऐसा गड़बड़ धारा करें जहां से स्ट्रांस अलग मतलब explicitly दिख सके एक्सक्लूसिवली अलग से डिस्टिंग्विश किया जा सके ये सी से और ये ट्रांस सारे नहीं करेंगे वो हम देखेंगे अच्छा ऑप्टिक ये तो हो गया जो ऑप्टिकल ऑप्टिकल में क्या लिखेंगे देखिए ऑप्टिकल में यहाँ पर तीन चीजें दिखी जाती हैं सिमेट्री एलिमेंट एक्सेस ऑफ सिमेट्री प्लेन ऑफ सिमेट्री एवर्स रिवर्स और अल्टरनेटिंग एक्सेस ऑफ सिमेट्री इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है ये एओएस alternating axis of symmetry अगर मान लो नहीं है ना और POS है COS है
उसके बाद भी अपनी कनेक्टिविटी आ सकती है। यहाँ पे ये लफड़ा है, ऑर्गेनिक में ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे ये लफड़ा होता है। तो देख लीजिए चलिएगा, एक एक और दिखाते हैं। तो ऑप्टिकल आइसोमर क्या होता है, जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर देते हैं आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। आइसोमर्स व्हिच रोटेट पीपीएल शॉर्ट शॉर्ट में लिखो है ना, और कंडीशन ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी में लिखना है यहाँ पे। कंडीशन ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी बोलती है कि there must be absence of symmetric elements like POS, AOS and AAOS, plane of symmetry, axis of symmetry and alternating axis of symmetry। ये जो alternating axis of symmetry अगर किसी में आ गई, this is the sufficient condition for optical activity। मतलब फिर optically inactive हो जाएगा। ये sufficient condition। sufficient condition का मतलब है कि अगर AAOS आ गया, तो फिर तो compound पक्का optically inactive होगा। लेकिन अगर POS AOS है भी तो हो सकता है ऑप्टिकल एक्टिव हो जाए। एब्सेंस ऑफ POS एंड COS इज नेसेसरी कंडीशन। एब्सेंस ऑफ POS एंड COS इज नेसेसरी कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी। Absence of POS and COS is necessary condition for optical activity, but not a sufficient condition. ठीक है, दूसरा पॉइंट बना कर लिखिएगा। Absence of alternating axis of symmetry. Absence of AAOS is a sufficient condition for optical activity। ठीक है, एक और पॉइंट बना कर दीजिए। ऑल ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड are non-superimposable on their mirror images अब हमको ये जो ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल है वो एक साथ देखना है। हम एक बार उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको पढ़ चुके हैं, तो हमको ज्यादा समस्या है ना, हम देख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी वगैरह अलग होती है। जैसे एक एनसीईआरटी में सुना था फेशियल एंड मेरिडोनियल, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है फेशियल एंड मेरिडोनियल, वो देखते हैं क्या है। तो देखिए, जो टोटल स्टीरियो आइसोमेट्री में हमें पढ़नी है वो किसकी किसकी पढ़नी है, एक तो पढ़नी है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की। इस कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दो आइटम आएंगे, एक आएगा स्क्वायर प्लेनर वाला जो आइटम है ये होगा डीएसपी 2, और एक आएगा टेट्राहेड्रल। ये आ जाएगा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, क्या आएगा ये
फिर इसमें डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक एस और एक दो पी इतने आएंगे बोलो, और एक हमारा आएगा क्वाड्रेटिक नंबर सिक्स जो कि बनाएगा ऑक्टेट्रल। ऑक्टेट्रल में दो तरीके की अपनी हाइब्रिडाइजेशन होती है, एक एसपी थ्री डी टू एक डी टू एसपी थ्री। सही है, एसपी थ्री डी टू में डी कौन कौन से होते हैं? दोनों में ही यही होता है, तो फर्क नहीं पड़ता है, वो तो पेयरिंग और जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड पर डिपेंड करता है, जो कि हम आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं। अच्छा, कुछ लोग इंस्टीट्यूट वाले क्या करते हैं, आइसोमेरिज्म पहले पढ़ा देते हैं और वीपीटी और सीएफटी वगैरह ये सब बाद में पढ़ते हैं, उससे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, अब आज हम पढ़ चुके हैं कि भाई एसपी थ्री डी टू और डी टू एसपी थ्री में कोई क्या डिफरेंस है, तो वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वीक फील्ड का है, पेयरिंग कराएगा नहीं कराएगा, इसका डिफरेंस है। इसमें ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, इसमें होता है डी जेड स्क्वायर। dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। सबसे पहले हम उसकी बात करते हैं लेते हैं जिसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होती ही नहीं, किसमें स्क्वायर प्लेनर डीएसपी टू सिस्टम में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होती ही नहीं। सही, तो सबसे पहले हेडिंग लगा लेना ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 डीएसपी2 सिस्टम